बिग बॉस 18। तो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, केम छो, कड़े वाले कस कई केवन आछो। तो दोस्तों आज का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। आज का रिव्यू में ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन कल जो होगा दोस्तों, कल चाहत को मॉनिटर बनाया जाएगा। ये एपिसोड में आप देखने वाले हैं, कल जो है चाहत को घर का मॉनिटर बनाया जाएगा और घर में चाहत फैसला करेंगी कौन कौन सा, कौन कंटेस्टेंट, कौन क्या ड्यूटी करेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहत को सुधारने के लिए चाहत को मॉनिटर बनाया जाएगा, क्योंकि चाहत जो है सबसे गंदा करके रखती है घर। विवेन के साथ झगड़ा हुआ चाहत का, कि विवेन ने बोला चाहत बाथरूम गंदा है, अपने कपड़े हटा। तो चाहत ने बोला नहीं हटाऊंगी, क्या करेगी, मेरे कपड़े इधर ही रहेंगे। तो बिग बॉस ने फिर फैसला सुनाया कि सबसे शैतान बच्चा ही मॉनिटर बनेगा। तो चाहत को पावर दिया गया है कि कौन कौन सा, कौन काम क्या करेगा, है ना, ड्यूटीज असाइन करने के लिए चाहत को बोला गया है। और इसी के साथ चाहत और रजत का एक झगड़ा हुआ है। तो चाहत ने यहाँ पर जाके रजत दलाल को बोला, रजत दलाल गुड नाइट। तो रजत ने अपना पैर दिखा दिया उसको, मतलब पैर का जो तलवा है ना, पैर के तलवे वो दिखा दिया। तो चाहत को गुस्सा आया, तो चाहत ने रजत के पैर में जाके मारा एक बोतल लेके, एक आयरन का एक रॉड जैसा था वो, उसको जैसे लेके मारा चाहत के, चाहत ने मारा रजत के पैरों पर, पैरों के तले तलवे पर, है ना। अब दोस्तों ये होगा कल। अब आज बात करते हैं आज का, यहाँ पर सबसे काला दिल किसका है, आज बात हुआ काला दिल। सबसे ज्यादा विवेन को वोट मिले, शहजादा, सारा, चाहत, बग्गा, चूम, शिल्पा, श्रुतिका, रजत सबने बोला विवेन का जो है वो काला दिल है। करण के लिए कितने लोग वोट किए काला दिल है, करण का, आरफिन, एलिस, अविनाश, ईशा, उन लोगों ने बोला करण का काला दिल है। और विवेन का कितना लोगों ने बोला काला दिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों ने बोला विवेन का दिल काला है, क्योंकि उसने जो है अविनाश के साथ दोस्ती किया और राशन में गड़बड़ घोटाला किया, अपने आदमियों को दिया उसने। अब दोस्तों यहाँ पर और एक टास्क था घर का महंगा मॉडल, जो सिर्फ महंगा मॉडल है बाकी किसी काम का नहीं है। तो चाहत ने या फिर विवेन का नाम लिया और विवेन को जो है काला धुआं लगा, वो जो कार मंगाया गया है प्लास्टिक का जैसा कार, उसके पीछे से काला धुआं निकल रहा था। फिर आरफिन ने बोला शहजादा जो है वो महंगा मॉडल है, किसी काम का नहीं है। फिर शहजादा ने आरफिन का नाम लिया। फिर सारा ने अविनाश का नाम लिया, बग्गा ने अविनाश का नाम लिया, चूम ने अविनाश का नाम लिया। चूम ने अविनाश का नाम लिया कि चूम बोलिए कि, और अविनाश को काला धुआं लगा। चूम बोलिए अविनाश किसी काम का नहीं है, सेम ही है अभी। तो अविनाश ने चूम को बोला तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं घर में, कुछ टॉपिक, तुम क्या है, वो तुम्हारा क्या है, सिर्फ खाना बांटना काम है क्या तुम्हारा क्योंकि चूम जो है वो 18 लोगों का खाना बांटती रहती है, 17-18 का, और बाकी कुछ बोलती नहीं है वो बस, है ना। शिल्पा आई, अविनाश आए, शिल्पा ने अविनाश को बोला महंगा मॉडल जो किसी काम का नहीं है। करण ने भी अविनाश का नाम लिया, अविनाश ने शिल्पा का नाम लिया, विवेन ने चाहत का नाम लिया, और ईशा ने अरफिन का नाम लिया, एलिस ने करण का नाम लिया, रजत ने चूम दारंग का लिया, नायरा ने शिल्पा का नाम लिया, श्रुतिका ने अरफिन का नाम लिया। नायरा से याद आया, मैंने बोला था नायरा का इविक्शन होगा, हुआ कि नहीं, सबसे पहले न्यूज मैंने दिया था नायरा का इविक्शन का, है ना। तो आई थिंक नायरा जो है अब इविक्ट तो हुई है, पर आई थिंक उसको लेके आएंगे वापस, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर उसका इंटरव्यू हो गया है, आ गया होगा शायद इंटरव्यू उसका, नायरा का अगर इंटरव्यू आ जाता है तो आई थिंक उसको फिर नहीं बुलाएंगे नायरा को, क्योंकि उसका कंटेंट भी कुछ था नहीं। जैसे अब नेक्स्ट इविक्शन होगा चूम दारंग, बग्गा, आरफिन, इन लोगों का इविक्शन होने वाला है नेक्स्ट, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इनका ही होगा, चूम दारंग, बग्गा, क्योंकि चूम का अभी श्रुतिका के साथ थोड़ा झगड़ा होगा, श्रुतिका का शिल्पा के साथ भी झगड़ा होगा, क्योंकि शिल्पा जो है श्रुतिका को चुप चुप करती है, बार बार बोलने नहीं देती है शिल्पा उसको, अपना ही ज्यादा चलाना चाहती है शिल्पा, रॉब जलाना चाहती है सीनियर का, लेकिन वो ये होने नहीं देगा। बघर वाले शिल्पा को एक ना एक दिन तो निकालेंगे ना, शिल्पा को तो वो तो करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, शिल्पा का दोस्तों ज्यादा ही एटीट्यूड है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ था नहीं, है ना, घर वालों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाया, इल्जाम का खेल हुआ घर पे, तो ये सब ही हुआ, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, है ना। करती है, दो अलग अलग कैरेक्टर में होती है, मैं ये क्यों कहूंगा कि ये खटाराकार बन चुकी है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो या तो किसी की पोक करी हुई होती है या किसी की पुश करी हुई होती है, कि ये खटाराकार बन चुकी है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो या तो किसी की पोक करी हुई होती है या किसी की पुश करी हुई होती है।
बस ये वो सुन के निकलती फुल स्पीड है, लेकिन वही 5-10 मीटर जाके चुप होके और अपना साइड। बिल्कुल अग्री नहीं करती मैं। सही बोला विवेन ने, चाहत यही करती है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज किया है, रोना अपने ऊपर, हर चीज का वो कर लेना कि मेरे साथ इन्होंने गलत किया है, मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया, छोटी सी बात पर बोलती है ह्यूमिलिएशन कर दिया इसने, मैं अब खाना नहीं खाऊंगी, गिर जाऊंगी, लेट जाऊंगी। बात कैसे करने का भूल जाते हो, जेन्युइनली तुम बच्चे हो तो ग्रो अप। बहुत बच्चे शिल्पा जी आप हो, आप रोती रहती हो हर बात पे, खाना नहीं दूंगा रोती रहती हो, मैं मर जाऊंगी, ये दवाई नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी। फिर भी अविनाश ने आपको खाना तो भेजा था, आपने क्यों नहीं खाया? आप अपनी बातों पे अड़ी रही सुबह को, जो आप लोगों ने फैसला लिया था कि अगर किसी को खाना नहीं मिलेगा तो कोई खाना नहीं खाएगा, लेकिन आप यहाँ किसी के साथ थोड़ी आई थी, आप अकेले आई थी खेलने यहाँ पर। आपको खाना मिल रहा है तो आप खाइए ना, अपना खाना खा के दवाई खा के सो जाइए, दूसरों का क्या टेंशन है आपको। शिल्पा जी वही तो सलमान सर भी बोलना चाह रहे थे, गंदी और घटिया चीज है। डोंट यू डेयर स्माइल एट मी, ये तो सही बोला उसने, डोंट यू डेयर स्माइल एट मी, ये वाला तो सही बोला था है ना। उस टाइम मतलब जब हुआ था ये झगड़ा, बहुत पहले हुआ था ये झगड़ा, अब तो भाई ये झगड़ा पुराना हो गया है, ये वाला झगड़ा डोंट यू डेयर स्माइल विद मी, ये वाला अब खत्म हो गया। फिलहाल कल का प्रोमो जो है वो तो आपने देखा ही होगा, कल मॉनिटर बनाया जाएगा उसको, क्या नाम है उसका, चाहत को है ना, चाहत को जो है वो मॉनिटर बनाया जाएगा। महंगा मॉडल है, सिर्फ दिखावा करता है, लेकिन असली परफॉर्मेंस में एवरेज भी नहीं दे पाता। तो वही है, एवरेज भी नहीं दे पाता, मैंने बता दिया किन किन लोगों ने ज्यादा वो नहीं कर पाए। एपिसोड ज्यादा कुछ था नहीं आज का है ना, वही है अभी तो लाइव फीड शुरू हो चुका है। आई थिंक कल चाहत को मॉनिटर बनाया जाएगा, वो देखने में मजा आएगा। अभी कुछ खास नहीं हो रहा है ना, कंटेंट उतना होया नहीं अभी, कल मजा आएगा देखने में बिग बॉस। कल से शुरू होगा फिर से और एक अध्याय। फिलहाल लाइव फीड शुरू हो चुका है, लाइव फीड में क्या चल रहा है दोस्तों वो देखना जरूरी है अभी है ना। लाइव फीड में क्या चल रहा है बिग बॉस में, लाइव फीड क्या चल रहा है, लाइव फीड है ना। तो यहाँ पर श्रुतिका और आरफिन का भी अभी थोड़ा झगड़ा होगा। आरफिन का अब गेम है ना वो उतर गया चुका है, उतर चुका है गेम अब। आरफिन शहजादा इन लोगों का जो गेम है ना अब खत्म हो चुका है, अब लाइव फीड शुरू हो चुका है। यहाँ पर आरफिन विवेन, आरफिन की वाइफ जो है सारा और विवेन बात कर रहे हैं जेल के पास लाइव फीड में, बाकी कुछ है नहीं बाद में पता चलेगा। अच्छा नॉमिनेशंस कल परसों होंगे, टाइम ऑफ गॉड का टास्क भी होगा, कौन होगा टाइम ऑफ गॉड वो तो शायद कल होगा, परसों कल परसों हो जाएगा टाइम ऑफ गॉड कौन बनाए। बाकी तो इतना ही है, चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को कुछ बुरा लगे तो सॉरी, चलिए थैंक यू। हाँ ओके, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए है ना, लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए वीडियोज को।